अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर पृथ्वीराज नगर के अंदर बिजली कनेक्शनों पर रोक हट सकती है। हाईकोर्ट में आज इसके ऊपर सुनवाई है और इसी दरमियान राज्य सरकार इस पर रोक हटाने के बिल्कुल समर्थन में आ रही है। तो आप सभी को बता दें कि अगर कोर्ट ने भी फैसला दे दिया तो अब यहां पर बिजली कनेक्शनों पर रोक हट सकती है। इसी को लेकर के अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है और क्या कुछ इस फैसले के बाद में अब बदलाव देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में दिखाते हैं हमारे रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर इलाके में रहने वाले करीब 30,000 परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलेगा या नहीं, इसका फैसला राजस्थान हाईकोर्ट करेगा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर योजना में पिछले 10 साल से नई बिजली और पानी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सोसाइटी पट्टे पर साल 2013 में बिजली कनेक्शन देने पर रोक भी लगाई थी। यह रोक अभी तक चली आ रही है। कुछ महीने पहले यह रोक हटाने के लिए पृथ्वीराज नगर की विभिन्न विकास समितियां हैं, उनके अनेक भूखंड मालिकों ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई भी करेगी और इस मामले में सरकार के रुख को देखते हुए रोक हटने से संभावना जताई गई है। हाईकोर्ट की नोटिस पर सरकार ने कोर्ट में लिखे जवाब दिया है कि अगर हाईकोर्ट बिजली कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटाता है तो उस पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।